संत पापा बेनेडिक्ट 15वें के प्रेरितिक पत्र मैक्सिमम इलुद की 100वीं सालगिरह की याद में संत पापा फ्रांसिस ने 2019 के अक्टूबर महीने को विशेष मिशनरी महीने के रूप में मनाने का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है, हम सब इस महीने को हमारे क्षेत्र में एक यादगार महीना बनाएं। विशेष मिशनरी महीने की तैयारी एवं उसे मनाने में हमारी सहायता हेतु संत पिता फ्रांसिस चार महत्वपूर्ण आयामों का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं जिस पर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है। पहला, यीशु से व्यक्तिगत मिलन। दूसरा, मिशनरी संतों और शहीदों के साक्ष्य। तीसरा, मिशनरी प्रशिक्षण। और चौथा, मिशनरी सेवा कार्य। तो आइए प्यारे विश्वासियों, मिशनरी महीने के उत्सव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस महीने के चार सप्ताहों को संत पापा के द्वारा सुझाए गए चार आयामों पर मनन चिंतन करते हुए उनको अपने जीवन में लागू करें और मिशन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। पहले सप्ताह की शुरुआत 29 सितंबर से होती है। आइए इस सप्ताह में हम सब कलिसिया में उपस्थित प्रभु यीशु से मिलने एवं उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का प्रयास करें। रोजाना पवित्र यूखरिस्त में भाग लें व मेल मिलाप संस्कार को अधिक से अधिक ग्रहण करें तथा साथ ही साथ परिवारों में ईश वचन का पठन करें, ईश वचन पर मनन चिंतन करें और मनन चिंतन करते हुए कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें। रोजाना व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, यदि हो सके तो गिरजाघर जाकर पवित्र यूखारिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु के सम्मुख बैठकर कुछ पल उनकी आराधना में उनके सानिध्य में बिताएं। इन माध्यमों द्वारा हम सब ईश्वर से मुलाकात करके उनका अनुभव प्राप्त करें जो सदा सजीव रूप में हमारे बीच उपस्थित रहता है। प्यारे विश्वासियों, ये तो थी पहले सप्ताह की गतिविधियों की जानकारी। अगले सप्ताह की जानकारी लेकर मैं जल्दी आपके पास लौटूंगा। आत्मा की खुराक YouTube चैनल से जुड़े रहिए और मिशनरी महीने की इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें।